हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं युवराज मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो एक्सपर्ट। सो आज मैं आपके लिए एक अपना रेयर इंसिडेंट शेयर करने वाला हूं आप लोग के साथ, जो कि मेरी नेक्सॉन के साथ मैंने एक्सपीरियंस किया था। मेरी नेक्सॉन चल चुकी है 29,186 एंड इसको लगभग 3 ईयर्स हो चुके हैं भाई। मेरी मैनुअल वाली आप देख सकते हो, डीजल BS6 Phase 2। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इंसिडेंट बताने से पहले यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि भाई मेरी गाड़ी के गियर जो हैं भाई अपने आप चेंज होने लगे थे। जैसे मैं न्यूट्रल पे हूँ, जैसे मतलब फर्स्ट पे डाला तो नहीं, न्यूट्रल पे है गाड़ी तब भी भाई मैं क्लच छोड़ रहा हूँ तो सेकंड या थर्ड गियर से गाड़ी उठ जा रही है। एंड मैं ऐसे पार्किंग में ही लगा रहा था और गाड़ी उठ रही थी, मतलब सेकंड या थर्ड गियर अपने आप लग रहा था। सो मैं अगले दिन सर्विस सेंटर लेके गया। मैं इसकी क्लिप डाल दे रहा हूँ आपको। मैं अगले दिन सर्विस सेंटर लेके गया एंड भाई उन लोगों ने मेरे को क्या बताया आप मानोगे नहीं, कि इसके जो गियर बॉक्स है ना वो जा चुका है। इसका थर्ड गियर, फिफ्थ गियर, रिवाइंड गियर जा चुका है। एंड भाई ऐसे न्यूट्रल से ऐसे लगा था एंड गियर अपना कोई भी उठा रही तो उसकी वजह से क्लच प्लेट भी चली गई। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाटा मोटर्स की क्वालिटी के ऊपर बोलना चाहूँगा कि भाई 30,000 मेरी उससे पहले का इंसिडेंट है। अभी 29,000 चली है, उससे पहले का इंसिडेंट है। अराउंड 24,000 के आसपास का इंसिडेंट होगा। तो भाई वीडियो बाद में बना रहा हूँ इस वजह से। भाई क्वालिटी के ऊपर मैं थोड़ा सा करूंगा कि भाई क्वालिटी टाटा मोटर्स थोड़ी अपनी सुधारिए, क्योंकि आप बेस्ट सेलिंग कार बना रहे हैं नेक्सॉन और मैंने इतनी कार में चला चुका हूँ भाई। गियर बॉक्स मैंने आज तक किसी का ख़राब होते हुए देखा नहीं है एंड भाई मेरा क्लच प्रॉपर यूज है सबका, गियर का, क्लच का, सबका। सो भाई टाटा मोटर्स का जो थोड़ा सा क्वालिटी का इशू है ना वो अभी थोड़ा थोड़ा कहीं दिखता है। और मैंने हैरियर में सुना था कि भाई क्लच का प्रॉब्लम है, बट यार नेक्सॉन में नहीं सुना था और अभी तक मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ ना उसमें भी मुझे लगा नहीं था, बट इट हैपेंड। तो यहाँ पे मैं क्लिप तो डाल ही दे रहा हूँ, आप देख ही लोगे, बट आप अपना एक्सपीरियंस बताओ यार, क्या आप लोग के साथ भी नेक्सॉन से कभी ऐसा हुआ है कि यार गियर बॉक्स आपका कभी चेंज हुआ हो या खराब हो गया हो, क्लच प्लेट हुई हो? एंड ये जो एक्सपेंस मेरे को टोटल पड़ा ना, एक्सपेंस कितना आया ये सब चेंज कराने में भाई, 32,000 से 36,000 हो गया था वो टोटल बिल। मेरा P2P और एक्सटेंडेड वारंटी था तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। बट अगर भाई जैसा भी लोग P2P बंद कर चुके हैं, सो अगर जिसने नहीं ले रखे हो ना तो उसको 36,000 पे करने पड़ेंगे। सही बता रहा हूँ। सो बी केयरफुल, अगर आप टाटा की कार ले रहे हो ना तो प्रोटेक्शन सारे ले लेना, लेने से पहले ही बात कर लेना, बिकॉज थिंग्स आर अनएक्सपेक्टेड। मैं टाटा मोटर्स को भी इन्वॉल्व नहीं कर रहा कि भाई सारे प्रोडक्ट तुम्हारे खराब है। गाड़ी नो डाउट अच्छी है, होता है, गाड़ी के साथ हो जाता है, बट आपको थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल रखना चाहिए। तो क्वालिटी कंट्रोल रखें टाटा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कार आपकी अच्छी बिक रही, क्वालिटी आप दे रहे हो। सो आई एम नॉट सेइंग दिस कि भाई आपकी कार बेकार है, नहीं, क्वालिटी कंट्रोल ठीक कीजिए, आपकी कार बहुत बढ़िया है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स वॉचिंग ऑटो एक्सपर्ट्स, बाय।